तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां वो ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां साउंड सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। उस पाप की वजह से रुद्राक्ष अब इसके काम नहीं आएगा। चांद की रोशनी का प्रभाव पड़ रहा है राहुल पर। अभी तो गा नहीं पा रहा, लेकिन कुछ ही देर में सबके सामने वो इंसान से शेर में बदल जाएगा। ये कहाँ जा रहा है? क्या हुआ माँ? वो राहुल, उसे क्या हुआ? उसकी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, वो इतने अच्छे से गाना गा रहा था, अचानक गाते गाते रुक गया। अचानक रुक गया मतलब? अरे पता नहीं, मुझे लगता है उसे सर्दी या बुखार हुआ होगा। जैसे ही वो ऊपर का रूफ खुल गया ना, वहां से बाहर से ठंडी हवा आई होगी। सनरूफ फट गया मतलब चांद की रोशनी पड़ी होगी राहुल पर। लेकिन राहुल ने तो रुद्राक्ष की माला पहनी है ना, उसे तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। ए मनोवी, 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 ये की होच्छे की बेतुरी की होच्छे? अरे ऑडियंस एकदम पागल हो गया, चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है। अरे वो कहाँ है राहुल? किधर? अचानक एकदम गायब हो गया। हाँ उसको भेजो जल्दी, नहीं तो ये ऑडियंस रुकने वाला नहीं है, सब कुछ तोड़ फोड़ कर देगा, तूफान मचा देगा एकदम। अरे राहुल गया कहाँ? मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि राहुल कहाँ गया होगा, लेकिन इस वक्त ऑडियंस को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये उसकी इज्जत का सवाल है, ये भगवान मैं क्या करूं? बाबा, ऑडियंस को शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे गाना होगा, मुझे राहुल की जगह लेनी होगी। क्या मानवी राहुल की जगह ले पाएगी? पता नहीं शिल्पा, ऑडियंस तो बहुत गुस्सा में है। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे। ये शिल्पा, शिल्पा सुन रहा है? हाँ। सुन रहा है ना? ये ऑडियंस का ताली का आवाज सुन रहा है ना? और मनु भी है, ये आज खाली है, शो को खराब होने से नहीं बचाया। ये आज पहला बार दिखाया कि उसके अंदर कितना काबिलियत है, कितना अच्छा सिंगर है। मुझे वहाँ आगे से, वहाँ सामने से मानवी को गाते हुए देखना है। चलिए हम हमारी सीट पर जाके बैठे। चलिए चलो। इस लड़की ने सारा काम तमाम कर दिया। इस मानवी को मैं अपना हर बार बेकार करने नहीं दूंगी। इसने राहुल की बेइज्जती होने से तो रोक दी, लेकिन उसे शेर में बदलने से नहीं रोक पाएगी। आज रात वो उस अवतार में होगा जिसमें मैं उसे खत्म करूंगी। आओ अग्नि, आओ, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। देखो देखो मानवी की हालत देखो, उसे यकीन नहीं हो रहा है रुद्राक्ष के होते हुए राहुल शेर में बदल जाएगा। देखो कैसे बिलख बिलख के रो रही है।
उसे पता नहीं है, अब उसे और बहुत कुछ सहना है, क्योंकि कोई रुद्राक्ष उस पे काम नहीं करेगा। राहुल हर रात शेर बनेगा और हम मौका दे के ही उसका शिकार करेंगे। उसके खून से हम अपने भगवान को वापस ले आएंगे, वापस ले आएंगे। अब उसकी ढाल भी कुछ नहीं कर पाएगी हमारा, बस बिलख बिलख के रोने के सिवा ऐसे ही रोती रहेगी वो। राहुल मानवी, कहाँ थे तुम लोग? रात भर थे कहाँ तुम लोग? क्या हुआ कल रात को? मुझे लगा था तुम्हें सबसे बचने का तरीका मिल गया। इसने कहा था ना कि रास्ता निकल आया है, फिर हाँ पापा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब वो ये सारी गलती मेरी। इसका मतलब कल रात को तुम जानवर, मतलब? हाँ पापा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो तुम दोनों थे कहाँ? ना फोन ना कोई मैसेज, किसी को बताया था कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? क्या ये चल क्या रहा है? तुम कंसर्ट बीच में छोड़कर चले गए, ये तुम्हारी जगह आकर गाना गाने लग गई, उसके बाद ये भी गायब हो गए। ये हो क्या रहा है? क्या चल क्या रहा है? सब मजाक लगता है तुम लोगों को ये सब कुछ? पापा वो एक्चुअली कॉन्सर्ट से पहले मेरी और राहुल की लड़ाई हो गई थी। मैं नाराज थी इनसे, और अब क्योंकि इन्होंने कभी कभी भी मेरे लिए कुछ प्लान ही नहीं किया, तो जब मैं गाना खत्म करके बाहर गई तो ये मुझे गाड़ी में बिठा के लॉन्ग ड्राइव पे ले गए। क्या पागल हो क्या तुम लोग? रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज है या नहीं? तुम्हारा मन किया तुम कॉन्सर्ट छोड़ के चले गए, इसका मन किया या अगर गाना गाने लग गए? राहुल इस एटीट्यूड से म्यूजिक कंपनी नहीं चलती। जितना नाम कमाया ना सब मिट्टी में मिल जाएगा। कैसे कर सकते तुम लोग ये सब? पापा सब मैंने किया है, सारी गलती मेरी है। आई एम रियली सॉरी। एक मिनट, मैं जाऊं प्लीज। मतलब मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? मैं जो करता हूँ उसकी जस्टिफिकेशन देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। शर्मा, इस स्टमक खराब होने का एक दवा देना, स्ट्रांग मत देना, साइड इफेक्ट नहीं चाहिए। पिछला बार बहुत प्रॉब्लम किया तुम। नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या सब ठीक है ना? क्यों, हमको क्या हुआ? हम क्या, तुमको ठीक नहीं लग रहा है? कोई प्रॉब्लम दिख रहा है? नहीं अंकल, मैं बोल रहा हूँ कि आपने अभी बोला ना कि आपके स्टमक में पेन है। हमारा पेट अपसेट है कि हमारा दिमाग अपसेट है, इससे तुमको क्या लेना देना है? तुम अपना काम से काम रखो ना, हमारा बीच में क्यों घुसता है तुम? अंकल जी, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, मेरे पास एक बढ़िया दवाई है। दवाई सजेस्ट करेगा? डॉक्टर है, फिजिशियन है, सर्जन है, क्या है तुम? मैं कुछ नहीं हूँ अंकल जी, वो क्या है ना, बड़ी पहले की बात है, ऐसा होता था कि मैं क्या, तो डॉक्टर नहीं है तो क्या है? केमिस्ट है। ये दुकान तुम्हारा है अंकल? ऐसा नहीं है, वो क्या है, देखो तुम्हारा कोई भी स्टोरी से हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये जो तुम्हारा बेकार का सजेशन है ना, ये तुम अपना पास रखो, समझा है? और देखो हमसे दूर रहो, हमसे बात करने की जरूरत नहीं, हमारा पास आने की जरूरत नहीं, डिस्गस्टिंग पीपल। लो दवाई दो। क्या है? हाँ सिमरन, लेके आ गया सामान, अभी केमिस्ट की दुकान से ही बाहर आ रहा हूँ। ले लिया भाई, ले लिया। सुन, ये सब काम ना मुझसे मत करवाया करो, शादी होगी है तुम्हारी, ऐसा सामान घर में ही रख लिया करो, ठीक है? चल हाँ, आ रहा हूँ। मतलब अंकल और मेरा पैकेट चेंज हो गया? स्पेक्टर पृथ्वी, यहाँ क्या हो रहा है? कौन से देखिए इस लाश को? आप लोग में से कोई जानता है इसे?
यहाँ किसी की मौत हुई है?